नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से वैसे मतदाताओं को पूरी जानकारी देते आ रहे हैं जिनकी पर्चियां गुम हो जाती हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाता है, और जो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका बूथ संख्या क्या है, किस क्षेत्र में है, और वो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। तो आज भी हम कुछ इसी विषय पे जानकारी लेने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। सबसे पहले तो सर, आप हमें इस बात की जानकारी दें, उन सभी मतदाताओं को इस बात की जानकारी दें कि यदि आपके पास से वो पर्ची गुम हो जाती है जो अधिकारियों द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है, जिसमें आपका इपिक नंबर वगैरह मेंशन होता है, जिसमें आपके सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं कि भाई आपको मतदान देने, आपको वोट देने इस बूथ संख्या पे जाना है, इस क्षेत्र में जाना है, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि वैसे लोग कैसे ये पूरी जानकारी ले पाएंगे कि भैया मुझे कहाँ जाना है, किस बूथ संख्या पे मेरा मतदान मुझे देना है, क्या कुछ इस पे आप बताना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस लोकतंत्र के महापर्व पे ये जानकारियां सबों के पास रखनी चाहिए जी। और आपने एक अच्छा सवाल किया है कि वैसे मतदाता जिनकी पर्ची गुम हो जाती, जिन पर जिनके पास इपिक भी नहीं रहता और उनका नाम मतदाता सूची में उनको पता है जी, तो वैसे मतदाता का हम लोग ईपिक लेते हैं। ईपिक लेने के बाद मैं एक ऐप दिखलाना चाहता हूँ। ये जो ऐप है मेरे पास, वोटर हेल्पलाइन जी, ये सरकार द्वारा दिया गया ऐप है। इसको हम जब क्लिक करते हैं तो इस पर आता है इलेक्ट्रोल नंबर, नेम एंड स्पेल। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये चार ऑप्शन है, इसमें एक आता है ईपिक नंबर। जैसे मैं ईपिक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आता है इंटर योर ईपिक नंबर, तो हम इस पर क्लिक करके अब हम ये डालना, जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में दे रहे हैं, BR 02, ये लोकसभा क्षेत्र का हो गया जी, दो नंबर जी, BR 008, क्योंकि विधानसभा का ये नंबर हो गया जी। इसके बाद वैसे मतदाता का जिनका इपिक नंबर हो, जैसे एक उदाहरण स्वरूप में 4 × 0 8 1, ये आपके सामने स्क्रीन पे है जी। जैसे मैं सर्च करूंगा तो उनका पूरा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। ये पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा उस शख्स का जी, कि उसे कहाँ जाना है मतदान देने के लिए, मतदान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वोट डालने के लिए, बूथ संख्या क्या है, उसका जो नंबर है वो क्या है, तो ये पूरी जानकारी उनका नाम जी, उनका एज भी कितना है, हाँ, किस बूथ नंबर पे है, जैसे किस स्कूल में, विद्यालय में है, किस पार्ट यानी बूथ नंबर में क्या है उनका, उनका सीरियल नंबर क्या है, ये पर्ची हम लोग बना के दे देते हैं और वो उस पर्ची को लेकर जो मतदान अधिकारी होते हैं उनको वो देते हैं और उनका वोट आसानी से पड़ जाता है। लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व जी। वैसे कभी कभी ऐसे भी देखने को मिल जाता है कि जिनके पास इपिक भी गुम हो जाती है, मतलब वोटर आईडी कार्ड भी गुम हो जाती है, नंबर वोटर आईडी कार्ड भी मेंशन होता है जी, लेकिन उनका ये बात है कि उनका नाम हमारे लिस्ट में, मतदाता सूची में है, तो हम लोग जैसे मेरे अगर एरिया के मिल जाते हैं तो हमको पता है कि ये जो मतदाता सूची बनती है वो भंडार कौन से बनती है, तो मुझे पता है कि इनका घर अगर दो गली के बाद है तो मुझे पता चलता है कि इस किस रोल में इनका मिलेगा, तो उस रोल में उनके इर्द गिर्द में जो और भी पहले से मतदाता है उनका नाम हम लोग खोज लेते हैं, उनका नाम भी उसमें मिल जाता है। वैसी परिस्थिति में उनका नाम, नंबर, क्रमांक संख्या, गृह संख्या, उनका नाम लिख के आसानी से दे देते हैं और उनका वोट आसानी से कास्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा वैसे लोग जो इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं वो आज ही कर ले और उनका इस महापर्व में मतदान कराएं। जाहिर सी बात है, ये अपना अधिकार है, सरकार चूंकि हमें ही चुननी है, सरकार का गठन हमारे उस वोट से ही होना है, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका आप जरूर निभाएं और सभी चीजों का, सभी सेवाओं का लाभ उठाते हुए आप अपनी भागीदारी भी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। कनेडियन से पश्चिम चंपारण के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।